आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे, एक कंडक्टिंग रिंग को सोलेनोइड के पास में रखा गया, उसके कारण उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है रिंग में। तो हमें यही बताना है कि अगर उसका स्विच क्लोज कर दिया जाए जिस मोमेंट पे सोलेनोइड को उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया तो क्या होगा, और दूसरे पे अगर स्विच को लॉन्ग टाइम तक क्लोज रखा जाए तो क्या होगा, और एट द इंस्टेंट जब स्विच को ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिचुएशन है, पहली बात तो इसमें से फ्लक्स निकलेंगी ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा होता है, पर इसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स रिंग के थ्रू पास करेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो इंड्यूस करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और जो हमारा सेकंड पार्ट है, अगर स्विच को हम लॉन्ग टाइम तक क्लोज रखते हैं तो उसके कारण उसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं होता है, नो मैग्नेटिक फ्लक्स, और कोई करंट भी इंड्यूस्ड होता है, कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होता है। बट जब हम लॉन्ग टाइम के बाद में स्विच को ओपन करते हैं तो जो करंट पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, वो सिचुएशन चेंज होती है और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है। तो ये हो गया हमारा तीनों पार्ट। ये पहले एंटी क्लॉकवाइज में होता है, देन उसके बाद में क्लॉकवाइज में रोटेट करने लग जाता है करंट के डायरेक्शन। तो ऐसे होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।